पेड़ हमेशा देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। वो लेता भी है तो सिर्फ धरती से ही पानी लेता है। वृक्ष रोप तू ए मनुज, ये माचिस के मूल, माचिस पहले वृक्ष को नमन करना न भूल। अपने पेरेंट्स का ख्याल हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि चाहे वो जीवित हैं या न हैं, इस धरती पे हैं, उनका आशीर्वाद के बिना ये सब काम नहीं हो सकता है। तो जो आजकल की पीढ़ियां हैं, जो ये भूल जाती है कि हम कहाँ से आए हैं, ये काम कैसे होता है, तो ये सब एक अदृश्य शक्ति करवाती है। उस अदृश्य शक्ति में हमारे माता पिता होते हैं, उनको महत्व देते हुए हमने हमारी माता जी की ये श्रद्धांजलि लिखी है, ये पिताजी की श्रद्धांजलि लिखी है। तो जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं, ऑफिस में आते हैं, पहले इनको नमन करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो उनके बारे में हमने लिखा, आप पर्याय हैं युग के, आप प्रतीक हैं सफर के, आप उत्तरदायी हैं हमारे परिवार की उन्नति के, आप निर्माण करता है सांसारिक परिवार के। जब हम हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, तो क्या हमारे पिताजी और माताजी के लिए हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि वो खुश रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें और हम काम करते रहें? उसका साक्षात उदाहरण तो हम दोनों हैं, क्योंकि जब जब हम इन पिताजी और माताजी और हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, तो हमें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम दिन भर भी काम कर लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। 60+ होने के बावजूद हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और काम करने लायक नहीं हैं, अभी भी हमारे में उतनी ऊर्जा है। इस तरीके का ये देखिए पोस्टर बनाया है, पेड़ को हम बचाएंगे, संवारेंगे तो कल भी हमारे पर्यावरण को संवारेंगे। आज हम पेड़ को गर्मी से बचाएंगे तो कल वे हमें गर्मी से बचाएंगे। आज हम पेड़ को पशुओं से बचाएंगे तो कल वे हमें औषधि देंगे। इस तरीके से हमने पूरे ये मैसेज और पिक्टोरियल भी किया है, ताकि अगर बच्चे पढ़ें, बच्चे इसको देखें, तो उसको समझ सकते हैं कि क्या करना है हमको। देखिए पेड़ की जुबानी मानव की कहानी। अरे मुझे परिपक्वता से पहले वे मूर्ख मानव क्यों काट रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, इनकी बुद्धिमत्ता पर तरस आ रहा है। इनको लकड़ी तो मैं फिर भी देती हूँ, और यदि कुछ वर्ष बाद काटते तो शायद लकड़ी भी ज़्यादा और पक्की मिलती। इस तरह पेड़ की ये कहानी जुबानी है, उसकी जुबानी है, क्योंकि पेड़ तो एक मूक है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है। पेड़ हमेशा देता ही देता है, लेता कुछ नहीं है। वो लेता भी है तो सिर्फ धरती से ही पानी लेता है, उसका हमसे वो कुछ नहीं लेता है, और जितना लेता है उससे हजार गुना ज़्यादा हमको देता है। ये देखिए हमारे राजस्थान के जो पेड़ हैं, वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, उन सबको और फूल हैं, उन सबको हमने यहाँ उकेरा है, ताकि ये आने वाली पीढ़ियाँ इनको देखें, समझें और उस पर अपना अमल करें। ये देखिए हमारी पूरी टाइल्स पे अलग अलग मैसेज हैं, और सब टाइल्स पे नंबरिंग भी किया हुआ है। और ऊपर सीढ़ी पे आप जब चलेंगे तो यहाँ पानी के दोहे हैं, पानी सबको मिल सके, जतन करे भरपूर, व्यर्थ बहाना छोड़ दे, हो संकट सब दूर, पानी बिन धरती बनी, देखो रेगिस्तान, वृक्षारोपण से सजे घर आंगन खलियान। ये देखिए हमने 2 फुट को हमने 6 फुट में बदल दिया, और इसमें हमने पूरा ये कोशिश करी है कि 12 राशि के लोग जो हैं वो 12 कौन कौन से पेड़ लगाएं, और उन पेड़ की डिटेल उनको पिक्टोरियल करके भी बताया कि कौन कौन से पेड़ लगाए जाए। जैसे वृश्चिक राशि वाली को ढाक पेड़ ब्यूटिया मौनस्परमा लगाना चाहिए, ये मूलसरी, तुला राशि को ये, कुंभ राशि को कदम, मीन को बेल, इस तरीके से पेड़, उन पेड़ों को लगाएं, उनकी रक्षा करें, उनकी सार संभाल करें। तो आपकी राशि के अनुसार आप अपने पेड़ लगा सकते हैं। ये डिटेल हमने यहाँ पूरे पेड़ के उसमें बता के दिए, और इसको इस तरीके से बंद कर दिए। ये देखिए मैं एक वृक्ष हूँ, ये पूरी कविता लिखने की कोशिश करिए। इंसान तो अपनी बात बोल के बता देता है, लेकिन वृक्ष की जो व्यथा है, कथा है, वो हम बोल के नहीं बता सकते हैं कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। ये हमने 100 तरीके की राखियाँ बनाई है पेड़ को बांधने के लिए। जब आप राखी का वो हो त्यौहार, तब आप इन पेड़ों को बांधें, इनको माथे पे पट्टियाँ भी लगा सकते हैं इनके, और इन पे सब पे अलग अलग मैसेज दिए हैं, स्लोगन्स, पेड़ बढ़ाएं जनसंख्या घटाएं, पेड़ वर्षा और छाया देते हैं, पेड़ बचत बैंक है, पेड़ शांति के कारक हैं, इस तरीके से अलग अलग मैसेज दिए।
ये पेड़ को बचाने के हिसाब से हमने देखी है, ये जन्मदिवस और पेड़ को जोड़ के साड़ी कवर बनाया है। जन्मदिवस पर लगाना प गाना तरु के गान, पेड़ों से मिलता हमें जीवन भर सम्मान। इस तरीके से इस पर पूरे पेड़ और जन्मदिन। जन्मदिवस खाए सभी घर में सब पकवान, पहले रोपे पेड़ सब इतना रखना ध्यान। यहाँ पे भी हमारे हर अलमारी, हर गेट, हर टेबल पे इसी तरीके से मैसेज मिलेंगे आपको पर्यावरण से रिलेटेड। ये देखिए इधर हमने ये बताने की कोशिश करी है कि बाढ़ में अगर पेड़ नहीं होता तो लोग कैसे बचते। बाढ़ बना देती हमें सदा सदा को मौन, तरुवर तू होता नहीं हमें बचाता कौन। पेड़ नहीं भगवान तू, विकट बाढ़ दरमियान तूने प्राण बचा लिया, किया बड़ा एहसान। इस तरीके की हमने पेड़ की वंदनवार है। पेड़ की कागज पेड़ देते हैं, ये कागज रखने के डिब्बे हैं। इसमें भी बताया है कि कागज के उत्पाद में है पेड़ों का अंश, पेड़ अगर घटते रहे झेलेंगे फिर दंश। इस तरीके के मैसेज लिख के उनके कवर बनाए। ये काउ कंजर्वेशन का है, इसके ये पेड़ का है। ये देखिए सब काऊ पानी के ऊपर है, ये सारी अलमारी पानी के संरक्षण की, पानी की पैनलिंग है, ये कैलेंडर है, ये बुना हुआ कपड़ा है जिससे सारा पानी संरक्षण के मैसेज दिए। जल संरक्षण के बिना धरती होगी बांझ, मानव अब तो जाग बढ़ना होगी सांझ। ये माचिस और पेड़ को जोड़ते हुए दिए, माचिस तरु की देन है करती ज्योति प्रदान, वृक्षों के इस रूप को माने हम वरदान। वृक्ष रूप तू ए मनोज, ये माचिस के मूल, माचिस पहले वृक्ष को नमन करना न भूल। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो माचिस नहीं बनेगी, उसका तो माचिस से ही लिंक है, माचिस का पेड़ से ही लिंक है। ये देखिए आर्मी के लिए लिखा है हमने, अगर सिपाही के लिए पेड़ नहीं होता तो कैसे वो बचते। जीती जंग जमीन की, मिली पेड़ की और ढेर सभी दुश्मन हुए मुझे न आई चोर। थकसा मुझे छिपा लिया यह तरु का एहसान, देख सका मुझको नहीं दुश्मन टोई विमान। तो अगर पेड़ है तो से हमारे सिपाही भी उसके पीछे बच जाएंगे। इसमें फिर रक्तदान भी बताऊं, ये देखिए हमारे रक्तदान क्या अलमारी है। अगर कोई रक्तदान का शिविर लगाता है तो हमारे यहाँ से 51 आइटम है जो कि यहाँ से ले जाएं और अपना रक्तदान शिविर सजाएं और उसको वापस हमें लौटा दें। यह बिना भाड़े का टेंट हाउस है, आप उसको उसमें उपयोग में लें। तो इसमें ये देखिए रक्तदान का गाउन भी है। तो पूरे इसमें रक्तदान के ही मैसेज हैं। ये रक्तदान के माथे की पट्टियां हैं, रक्तदान के चद्दर है बिछाने का। अगर आप रक्तदान का शिविर लगा रहे हैं तो इस तरीके के माथे की पट्टियां लगा के आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि है। ये देखिए नाश्ते की प्लेटें हैं रक्तदान की, इस पे भी रक्तदान के मैसेज लिखे हुए हैं। रक्तदान करना महान दान है और क्योंकि हम जितना रक्त दान में देते हैं उतना ही बनता है। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे रक्तदान के मैसेज के आइटम बना रखे हैं। एक हमने रक्तदान, जो शादी कार्ड होते हैं, लोग शादियों में बहुत पैसे खर्च करते हैं और वो व्यर्थ ही पैसों का कोई उपयोग नहीं हो पाता है। हमने एक शादी कार्ड बनाया है, तो आप ये शादी में ये कार्ड दे दें और पीछे ये आगे रक्तदान का। तुलसी बिरवा आंग ने हवा संग हरसाए, ऊपर ओढ़ी चूंदड़ी लहर लहर लहराए। तुलसी की ये मंजरी है तुलसी के बीज, पौध उगाती हर तरफ चूनड़ उड़ाए तीज। ऐसी हमने पीपल का भी पेड़ का बनाया। ये देखिए ये पीपल की राखी है, पीपल पे बांधने की।
वृक्षों में पीपल मैं हूँ, कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय में 26वें श्लोक में बताया। तो हमने इसको इस तरीके से पिक्टोरियल बना के और उसकी राखी बनाई। पक्षियों में अद्वितीय सहकार भावना होती है। पक्षियों का कलरव संगीत विद्या का जनक है। पक्षियों में वफादारी का गुण मानव से अधिक होता है। पक्षियों में अद्वितीय विशेषता पंखों में पाई जाती है। पक्षियों के पंजे मनुष्य के हाथ पैर के समान कार्य करते हैं। इस तरीके से हमने पक्षियों के पूरा उनका गुणगान गाया है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, हमको करे निहाल, बीसों हाथों से हमें करते हैं माला माल। वृक्ष हमें खाद्य तेल देते हैं, कपड़े देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पंखा देते हैं, एक काम करने वाले को एक रोजगार देते हैं, पेड़ टायर देते हैं, किताबें देते हैं। इस तरीके से हमने पेड़ को 20 हाथों से बताया कि पेड़ क्या क्या देते। पत्ते, अगर दिन में 5 पत्ते अगर कोई खाता है तो उसका वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है। ये बेल अगर गौशाला में लगा दिया जाए और गायों को इसके पत्ते खिलाए जाएं और उसका दूध अगर किसी भी रोगी को पिलाया जाए, उसका इतना जल्दी डेवलपमेंट होगा और इतना जल्दी उसका रोग समाप्त होगा। अपने आप ही फूट फूट के और सब हवा में फैल रहा है।